तो हेलो दोस्तों, ये स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल जी एन वी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में वेनर एक पार्ट थ्री का वीडियो है। दोस्तों इससे पहले पार्ट वन पार्ट टू का वीडियो दोस्तों आप लोग को कराए थे और पार्ट थ्री के वीडियो में जो भी क्वेश्चन अभी बचा है उसको करा रहे हैं। इसके बाद भी जो क्वेश्चन बचा है वेनर एक में उसको आगे वाले वीडियो में पार्ट फोर पार्ट फाइव के वीडियो में यानी पार्ट वाइज करा देंगे दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, बहुत है वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री के वीडियो में इसमें भी लाए हैं। एक बार देखिएगा, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो एकदम आपको जो भी समस्या होगा दूर हो जाएगा। बहुत ही खास तरीक़ा से हम बताते हैं दोस्तों जो भी वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए कोई भी वीडियो बनाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बन रहना है। इसके बाद भी जो क्वेश्चन बचा है उन सबको कराएँगे, पार्ट वाइज करके करा देंगे। पहला ही क्वेश्चन है, आप देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पढ़िए समझिए उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत होगा कुछ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों। और जो भी छात्र अभी नया हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ रीजनिंग अभी जीरो हैं, तो इस हमारे चैनल जी एन वी स्टडी सेंटर पर जाए तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं आसानी से आप लोग के पास पहुँच जाए दोस्तों। तो आइए चालू करते हैं आज की वीडियो को। आज के जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का सही संबंध किस आकृति में दर्शा रहा है। दोस्तों निम्नलिखित आकृति में कौन त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सही संबंध दर्शाती हैं। यानी जो आकृति दिया गया है वो त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज तीनों का कौन सा सही संबंध दर्शाते हैं। दोस्तों ये आपको क्या करना है बताना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और सही से अगर नहीं सही से नहीं समझिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा तो बन नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार गलत होता है एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो थोड़ा सा सोचिए, त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर आप विषमबाहु त्रिभुज त्रिभुज की आकृति बनाइएगा तो त्रिभुज में किसी भी प्रकार का त्रिभुज बनाइएगा, यानी जैसा भी आकृति आप त्रिभुज की बनाइएगा, चाहे उसका सभी भुजाएँ क्या हो, अलग अलग हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषम कोण त्रिभुज हो, माने जो भी हो अलग अलग भी बनाइएगा तो त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। ये तो कन्फर्म है कि कोई भी आकृति बनाइएगा त्रिभुज का तो उसका त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज आप बनाए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज हैं तो ये भी क्या हैं, त्रिभुजें हैं। अगर विषम त्रिभुज बनाते हैं यानी तीनों भुजाओं अलग अलग बनाते हैं, ये हैं मान लीजिए दो, ये हैं पाँच, ये हैं सात, यानी अलग अलग, या ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी भुजाएं कुछ अलग हैं, ये दो भुजाएं अलग हैं, तो जो भी बनाइएगा आकृति वो सब क्या किस चीज़ में आएगा तो त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा। यानी समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज भी अगर बनाइएगा तीनों भुजाएं बराबर तो वो भी क्या आएगा, त्रिभुज के अंतर्गत ही आएगा। यानी जो त्रिभुज बनाइएगा, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो विषम त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये क्या आएगा, त्रिभुज के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो आपको कैसा रिलेशन यहाँ पर देखना है कि त्रिभुज के मान लीजिए कोई त्रिभुज हो गया, इसके अंदर ये कोई क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, इसके अंतर्गत ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया और इसके अंदर कुछ मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। यानी कुछ विषमबाहु त्रिभुज समकोण भी हो सकता है, कुछ समकोण त्रिभुज विषमबाहु भी हो सकता है, यानी भुजा अलग अलग। तो त्रिभुज के अंतर्गत ही कौन ये दोनों आएंगे, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है, आकृति दिया है, उसमें सही रिलेशन अगर देखा जाए इस चारों आकृति में तो डी में ही सही संबंध इसका दर्शा रहा है आकृति के हिसाब से। यानी त्रिभुज के अंतर्गत ही विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज आएंगे, कुछ समकोण विषमबाहु हो सकता है, कुछ विषमबाहु भी समकोण हो सकता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, सही वेनर एक की पहचान करें, वाक्य दिया है इसमें कुछ विज्ञान, भौतिकी और रसायन। देखिए विज्ञान, भौतिकी, रसायन, सही वेनर एक की पहचान करना है दोस्तों। चार गो ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा सही संबंध दर्शाएगा, कॉमन सबसे ज़्यादा किस आकृति में हो रहा है,
उसको आपको क्या करना है, खोजना है। तो देखिए, विज्ञान दिया है, भौतिकी दिया है, रसायन दिया है। अगर आप विज्ञान के यहाँ पर बात की जाए, मान लीजिए विज्ञान हो गया, तो विज्ञान के अंतर्गत अगर देखा जाए भौतिकी, तो भौतिकी क्या है, भौतिकी भी तो विज्ञान है। और विज्ञान रसायन क्या है, रसायन भी तो विज्ञान है, नहीं है। मान लीजिए विज्ञान हो गया, तो विज्ञान के अंतर्गत ही भौतिकी आएगा, और रसायन क्या है, तो ये भी विज्ञान है, तो ये भी विज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो यानी विज्ञान के अंतर्गत ही भौतिकी और रसायन आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रसायन या भौतिकी आप अलग अलग यहाँ पर दोनों हैं, ये भौतिकी रसायन कह सकते हैं, तो विज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। तो इस तरह की आकृति देखिए किस ऑप्शन में है, डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान में अगर देखा जाए तो भौतिकी और रसायन दोनों की बात होती है, दोनों विज्ञान ही हैं, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा देखना है कि कॉमन किस आकृति में मैच कर रहा है, किस सही संबंध किस में दिखा रहा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे, उनको देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित आरेख में तीन वर्गों के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आरेख में तीन वर्गों के बीच सही संबंध ज्ञात कीजिए, छात्र बच्चे और चिड़िया। छात्र बच्चे और चिड़िया से सही भिन्न आरेख की पहचान करना है दोस्तों। तो देखिए, अगर छात्र बच्चे चिड़िया, यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चे हो गए, क्या हो गए, बच्चे हो गए, तो बच्चे हो गए तो कुछ बच्चे छात्र भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ बच्चे छात्र भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे चिड़िया भी हो सकते हैं। यहाँ पर सही से आपको समझना है, अगर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आदमी के मान लीजिए कि बच्चे हो गए तो कुछ बच्चे छात्र हो गए, तो कुछ बच्चे छात्र भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे चिड़िया के भी तो बच्चे हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चे चिड़िया भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान में अगर नहीं दीजिएगा तो आपका, अगर ये सोचिएगा कि मान लीजिए कि ये बच्चे हो गए और ये चिड़िया हो गए और ये कुछ छात्र हो गए, ऐसा सोचिएगा कि कुछ छात्र या कुछ बच्चे कुछ छात्र भी हैं और चिड़िया अलग हो गए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से इधर उधर हटाइएगा कि कुछ बच्चे छात्र हो गए और ये चिड़िया अलग हो गई, तो आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कुछ मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे हो गए तो कुछ बच्चे छात्र भी तो हो सकते हैं और कुछ बच्चे चिड़िया भी हो सकते हैं, चिड़िया के भी बच्चे होते हैं जैसे आदमी के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर सही भिन्न आरेख होगा इस तरह की आकृति किस में है, तो डी में है दोस्तों। तो डी जी राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे छात्र भी होंगे और कुछ बच्चे चिड़िया भी हो सकते हैं, तो आपको इस तरह सोचना है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन करता है इस टाइप के क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो में लास्ट तक बन रहिए, तो आसानी से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद। चलिए, चार नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में कौन आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और क्लर्कों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। यानी शिक्षक, शिक्षक यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा सा सही समझिए पहले, शिक्षकों दिया है यानी शिक्षक, प्रोफेसर और यहाँ पर क्लर्क, इनके बीच सही संबंध को दर्शाना है। तो देखिए, शिक्षक का क्या कार्य है, शिक्षक का कार्य है कि शिक्षा देना, यानी जो भी शिक्षक हैं वो शिक्षा देते हैं, शिक्षक का कार्य हो गया शिक्षा देना। प्रोफेसर का कार्य क्या होता है, तो प्रोफेसर का भी कार्य होता है दोस्तों शिक्षा ही देना, प्रोफेसर भी शिक्षा देते हैं यहाँ पर। और क्लर्क हैं तो क्लर्क का काम क्या है, शिक्षा देना नहीं, क्लर्क दूसरा चीज़ हो गया। मान लीजिए अगर शिक्षक और प्रोफेसर में संबंध देखिएगा तो प्रोफेसर भी शिक्षा देते हैं और शिक्षक भी शिक्षा देते हैं और क्लर्क दूसरा चीज़ हो गया। तो इसमें मान लीजिए कि शिक्षक हो गया, शिक्षक के अंतर्गत ही प्रोफेसर आएंगे शिक्षा देते हैं, शिक्षक भी शिक्षा देते हैं, प्रोफेसर भी शिक्षा देते हैं, तो शिक्षक के अंतर्गत ही प्रोफेसर शिक्षक दोनों हो गए। अब आइए, अगर क्लर्क की बात की जाए तो ये अलग हो गया। तो इस तरह का डायग्राम जहाँ पर दिखाई देगा आपका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा सही, तो सी में है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षक के अंतर्गत ही प्रोफेसर आएंगे और क्लर्क क्या हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पर सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। पाँच नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन से आकृति राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती को दर्शाती हैं। यानी राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती को दर्शाती हैं, तो आपको सोचना है कि राजनीतिज्ञ, ठेकेदार और मोमबत्ती का रिलेशन कैसे बनेगा। देखिए, मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग अगर लगाइएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। आपको क्या करना है,
मान लीजिए कि राजनीतिज्ञ जो होता है वो कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार भी तो हो सकता है, कुछ नेता ठेकेदार हो सकता है और कुछ ठेकेदार नेता भी हो सकता है। उसी तरह आपको सोचना है कि कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ मान लीजिए राजनीतिज्ञ हो गया और राजनीतिज्ञ, कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार भी हो सकता है और कुछ ठेकेदार राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। तो और उसके बाद क्या है, मोमबत्ती, मोमबत्ती तो एकदम इससे हटकर हो गया, तो यहाँ पर मोमबत्ती आपका हो जाएगा। मान लीजिए एक ये हो गया ठेकेदार या राजनीतिज्ञ, इसको आप मानते हैं, तो कुछ राजनीति, ये राजनीतिज्ञ हो गया तो यहाँ पर कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार भी हो जाएगा, यानी ठेकेदार का कुछ हिस्सा इसमें है, राजनीतिज्ञ में है, या राजनीतिज्ञ का कुछ हिस्सा ठेकेदार में है। कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार भी हो सकता है और कुछ ठेकेदार राजनीतिज्ञ भी हो सकता है, और मोमबत्ती तो दूसरा चीज़ हो गया, यह हटके हो गया। तो इस तरह का डायग्राम जिसमें होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नेता, मान लीजिए कुछ नेता हो गया, ये कुछ नेता ठेकेदार भी हो सकता है, तो ये कुछ नेता का हिस्सा ठेकेदार भी हो सकता है और कुछ ठेकेदार नेता भी हो सकते हैं, और मोमबत्ती होगा तो अलग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कुछ ठेकेदार राजनीतिज्ञ हैं और कुछ राजनीतिज्ञ ठेकेदार हैं, मोमबत्ती आपका दूसरा चीज़ हो गया। तो इस तरह का डायग्राम जहाँ होगा सही होगा तो डी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, सही भेनर की पहचान करें, असामाजिक तत्व, पॉकेटमार, ब्लैकमेलर। बहुत ही वीवीआई और ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, असामाजिक तत्व, पॉकेटमार, ब्लैकमेलर। तो आपको ये देखना है कि इससे सही भेनर कौन सा बन रहा है, किसका संबंध सही आकृति जो है असामाजिक तत्व, पॉकेटमार, ब्लैकमेलर का सही संबंध कौन सी आकृति दर्शा रही है। तो देखिए मान लीजिए असामाजिक तत्व, ये असामाजिक तत्व हो गया, इसके अंतर्गत ही, असामाजिक तत्व के अंतर्गत ही ब्लैक मेलर और पॉकेटमार दोनों आते हैं। हो सकता है कि कुछ पॉकेटमार ब्लैक मेलर भी हो सकता है और कुछ ब्लैक मेलर पॉकेटमार भी हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मेलर पॉकेटमार नहीं हो सकता है और पॉकेटमार ब्लैक मेलर नहीं हो सकता है। तो ये असामाजिक तत्व के अंतर्गत ही आएंगे। कुछ यहाँ पर पॉकेटमार ऐसे भी होंगे जो ब्लैक मेलर होंगे और कुछ ब्लैक मेलर ऐसे भी होंगे जो पॉकेटमार होंगे। तो ये असामाजिक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह की आकृति कौन सा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी इसके अंतर्गत ही कुछ पॉकेटमार ब्लैक मेलर होंगे और कुछ ब्लैक मेलर पॉकेटमार होंगे, तो ये असामाजिक तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपका डी इस तरह की आकृति है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए बहुत ही ज़बरदस्त था, वीवीआई क्वेश्चन था दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में भी कराए हैं तो बहुत, और यहाँ पर भी जो भी क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में वो भी बहुत वीवीआई हैं, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन अभी बचा है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाद, तो पार्ट वाइज करके पार्ट 4 पार्ट 5 कराएँगे ज़रूर दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है। बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे इसके बाद पार्ट 4 के वीडियो में दोस्तों। बने रहिए, जय हिंद।